नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक हॉरर स्टोरी वीडियो बनाऊं जो शायद से मेरी लाइफ से कुछ इंस्पायर्ड हो या मेरी पर्सनल लाइफ से वो हो, तो मैं वही करूंगा। सो आई विल बी टेलिंग यू अ हॉरर स्टोरी इन हिंदी, बट इफ़ यू वांट टू हियर द सेम स्टोरी इन इंग्लिश देन आई थिंक योहाना मूनलाइट टिंगल्स इज गोइंग टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। सो यू कैन गो टू हर चैनल एंड चेक आउट द स्टोरी। She has told me that she will include my story in her video too, where she will be reading horror stories of her subscribers. So I'll give the link somewhere in the description. Anyway, ये कहानी तब की थी जब मैं 8 साल का था और मैं और मेरा परिवार, जिसमें थे मेरी माँ और मेरे पिता, हम एक जगह रह रहे थे जहाँ पे हम घर शेयर कर रहे थे एक्चुअली। और हमारे पास में एक कमरा था, एक न्यूली वेड कपल, एक नई नई शादी हुई जोड़ा का था। और तो उस जोड़े में जो पति था वो ड्राइवरी करता था, वो टैक्सीज वगैरह चलाता था लोगों को लाने ले जाने के लिए। और जो उसकी बीवी थी वो हाउसवाइफ थी, बड़ी अच्छी सी थी, स्वीट, शी इज़ अ स्वीट वूमन। तो एक बार ऐसी हुआ कि, और वो मतलब था, एक कुछ कमरे थे वहाँ पे, आसपास खुला मैदान था, कुछ छोटे मोटे पेड़ हुआ करते थे वहाँ पे घर के आसपास ही, और एक बड़ा सा जामुन का पेड़ हुआ करता था। तो एक बार क्या हुआ कि जो वो पति था टैक्सी ड्राइवर, वो कोई सवारी लेके बाहर गया था शहर से, और उसका देवर आया हुआ था, पत्नी का देवर यानी उस लड़के का जो टैक्सी चलाते था, उसका छोटा भाई आ रखा था रहने। तो मुझे याद है कि एक बार शाम के वक्त हम सब बाहर वरांडा में बैठे हुए थे और उस लड़की ने कहा कि मैं एक ज़रा टहल कर आती हूँ, जो इर्द गिर्द ज़मीन है वो उसके चक्कर लगा कर आती हूँ। तो हम बातचीत कर रहे थे और वो चक्कर लगाने गई, और ताज्जुब की बात है कि संयोग से हम बात कर रहे थे भूतों के बारे में, कि किसी ने क्या कभी कोई भूत देखा है, किसी ने कभी कुछ ऐसी कौन सी डरावनी चीज़ देखी है वगैरह वगैरह। हम इन चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक से हमें रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी समय हो गया है और वो जो लड़की है वो लड़की वापस नहीं आई। उसने कहा था कि मैं बस 5 मिनट टहल कर आती हूँ और आधे घंटे हो गए थे, वो वापस नहीं आई। तो हम भी थोड़ा घबरा गए कि क्या बात हो गई होगी। वैसे तो तबीयत तो उसकी कभी कुछ ख़राब नहीं होती थी, ऐसा भी कुछ नहीं था, तो पता नहीं क्या बात हो गई होगी। तो देवर ने कहा मैं ज़रा देख कर आता हूँ। तो घर से वरांडा से बाहर निकला आगे, और फिर कुछ टाइम बाद वो हमारे पास वापस आया और उसने बोला कि भाभी जो है वो जामुन के पेड़ के पास जाके बैठी हुई है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है, और पता नहीं क्यों रो रही, कुछ बोल नहीं रही, बस हूँ 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 करके रो रही है। और वो बोला कि जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की या उसको कहा कि चला अंदर, तब उसने मुझे मारा, छापड़ मारा या मुक्का मारा, पर कुछ मारा, और पता नहीं पागलों जैसी वो हरकतें कर रही है। तो ये सुना और फिर मेरे पिताजी भी गए और वो दोनों कैसे करके उसको घसीट के घर के अंदर लाए भीतर। और मुझे याद है कि एक वहीं पे एक बाबा हुआ करते थे, हमारे इलाके के बड़े मशहूर बाबा थे। बाबा को बुलाया, ओघड़ बाबा से थे वो। बाबा आए, बाबा ने बनाने कुछ अपने अजीबोगरीब मंत्र से किए, कुछ ऐसे ऐसे करते रहे, और अब वो रोने नहीं लगी थी वो लड़की, अब छटपटाने लगी थी, तड़पने लगी थी। और बाबा ने पता नहीं क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए होंगे, बाबा ने अपने सारे मुझे याद है बाबा ने कपड़े खोल लिए अपने, कच्चे बनियान में थे, और पता नहीं भूत भगाने उसके लग रहे थे झाड़ने, बाबा से तड़प रही थी। और फिर पता नहीं बाबा ने ऐसे क्या किया कि वो, बाबा ने कहा कि मैंने इसको ऐसे लटा दिया है कि वो लेटी हुई थी ज़मीन पर, कभी ऐसी रहेगी,
मैंने इसको बांध दिया है, इसको बंधक बना दिया है, यानी कि जो इसके अंदर जो भी आत्मा या साया होगी वो बंधक बन गई है। और हमें लग रहा था कि कोई साया कोई भूत उस पर चिपट गया है, क्योंकि हमारे यहाँ मानते हैं कि वो जामुन के पेड़ के पास सायों का वास होता है और ये सब। तो वो लेटी हुई थी और वो तड़प तड़प रही थी, छटपटा रही थी। तो मेरे पिताजी जो थे वो बड़े पूजा पाठ वाले हैं मेरे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं। ये तब था जब बाबा चले गए थे और उसके कुछ घंटे बाद भी आधी रात हो गई थी, तभी वो छटपटा रही थी, तड़प रही थी। पिताजी बोले कि एक काम करते हो, गंगा जल तैयार करता हूँ, गंगा जल में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता हूँ, दुर्गा के, सरस्वती के, कि इसको सद्बुद्धि दे, इसके अंदर जो भी बुरी आत्मा या जो भी कुछ है उसको निकाले, ऐसा कुछ कोशिश करता हूँ। तो पिताजी ने ऐसे वो करके गंगा जल तैयार किया और वो गंगा जल उसके मुंह में डाला कि वो घूटे, लेकिन घुटने की जगह उस लड़के ने वो गंगा जल थूक दिया। तो पिताजी को लगा कि इसके अंदर वाकई कुछ है जो शायद से लड़ने की कोशिश कर रहा है या कुछ। तो फिर पिताजी ने फिर से गंगा जल तैयार किया और फिर देवर को बोला कि काम कर, इसका मुंह ऐसे ऐसे करके खोल और मैं गंगा जल जैसे ही डालूंगा उसके बाद कस के बंद कर दियो। देवर ने मुंह खोला, पिताजी ने गंगा जल डाला और देवर ने कस के मुंह तब तक बंद करके रखा जब तक ऐसे करके घुटने की ये ना दिखाई दिया उसके। जैसे ही उसने घूट लिया, देवर ने उसे छोड़ दिया और वो बेहोश गिर गई और फिर वो सो गई। और ये देख के फिर हम भी सो गए, हमने कहा चलो सो जाते हैं। फिर हालांकि अगले दिन उसकी नींद खुली सुबह और उसको कुछ याद भी नहीं कि क्या हुआ, उसको बस इतना याद था कि मैं टहलने गई थी और उसके बाद पता नहीं क्या और मैं अब जाके उठी। तो घर वालों ने कहा चलो छोड़ो ठीक है, जो भी हुआ उसके बारे में मतलब चर्चा वगैरह कुछ नहीं करेंगे। और फिर अगले दिन उसका जो पति था वो भी अपनी ड्राइवरी करके वापस आ गया था, तो हमने भी फैसला किया कि चलो इसको नहीं बताएंगे कि क्या हुआ था, फालतू का कलेश क्यों करना। बस उसको इतना बोल दिया था कि आइंदा से खबरदार, कभी तू सॉरी आइंदा से खबरदार उस जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द मत घूमियो। मतलब ये हॉरर स्टोरी नहीं थी, बट ऐसी कोई डरावनी कोई हॉरर कहानी और थी भी नहीं मेरी, ये मेरी असली रियल लाइफ कहानी है। हाँ, इसलिए मैंने लोगों के नाम भी नहीं बताया आपको, क्योंकि एक्चुअल लोग है ये। बट आई होप दैट यू लाइक दिस, आई विल सी यू लेटर।